भारत पाकिस्तान महामुकाबले के बीच हुई बड़ी घटना, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने कहा रोक दिया जाए T20 विश्व कप। मेलबर्न ग्राउंड पर जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप, विश्व कप रुकवाने के पीछे आखिर क्या है मकसद। T20 विश्व कप का महामुकाबला यानी भारत पाकिस्तान का मैच हो चुका है। भारत ने सांस रोक देने वाले इस मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हर गेंद पर बदलते परिणाम ने मैच को अंत तक अति रोमांचकारी बनाए रखा। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भारत के हाथ से फिसल चुके मैच को जिंदा किया और अंत में किंग कोहली के 3 शानदार छक्कों ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। अब क्रिकेट के फैंस व पूर्व खिलाड़ी विराट की इस पारी को क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में एक बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आया है जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया है। हंगामा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में हो गया है और ये क्रिकेट के इतिहास में 100 साल के लिए जगह बना चुका है, क्योंकि कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस बात की पुष्टि की है, जिसमें सबसे पहला नाम भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का है तो वही दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्श का है। इन दोनों ने अपने बयान से क्रिकेट जगत में सनसनी मचा रखी है। पूर्व कप्तान कपिल देव ने सोमवार को एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान कहा है कि ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसे मैच 100 वर्षों में एक बार होते हैं। उन्होंने विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर बयान दिया है कि वो हमेशा से किंग हैं और उनके फॉर्म का खेल पर कोई असर नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचले मार्श का बयान चौंकाने वाला है। बता दें कि ये खिलाड़ी मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से भी अपनी टीम को मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैच को रुकवाने की बात कही है। मिचेल मार्श ने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में नो बॉल और फ्री हिट पर 3 रन लेने के साथ अंपायरों व पाकिस्तान खिलाड़ियों के बीच विवाद को लेकर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक दूसरा बड़ा तर्क है। वैसे भी भारत पाकिस्तान मैच हमेशा से रोमांचकारी रहता है। बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचते हैं। जो फैंस स्टेडियम नहीं पहुंच सकते वो अपने घरों की टीवी व मोबाइल पर इस मैच को जरूर देखते हैं। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए महामुकाबले को सिर्फ भारत में हॉटस्टार पर 1,80,00,000 लोगों ने लाइव देखा है। इसके साथ हॉटस्टार से कई गुना अधिक लोगों ने स्टार स्पोर्ट्स पर इस मैच को देखा है। साथ ही मेलबर्न से खचाखच भरे स्टेडियम में 80,000 लोगों ने सीधे देखा है। इस मैच की लोकप्रियता और रोमांच से सभी खिलाड़ियों को आश्चर्य हो रहा है। रविवार को जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मिचेल मार्श से भारत पाकिस्तान महामुकाबले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विश्व कप यही रुकवा दो। उन्होंने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुझे सही में लगता है कि हमें वर्ल्ड कप को वहीं रुकवा देना चाहिए, अगर ये इससे अच्छा हो जाता है तो हम एक अद्भुत 3 हफ्तों में है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने के लिहाज से हमेशा विश्वसनीय होता है। मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि उस भीड़ में होना और इसका हिस्सा बनना कैसा होगा। मार्श ने आगे विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा, जब आप विराट कोहली के करियर के बारे में सोचते हैं तो उनको 12 महीनों में उदासी से गुजरना पड़ा है। उनके लिए ऐसा करना, वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ना और देखने के लिहाज से ये एक अविश्वसनीय पारी थी, एक अविश्वसनीय खेल। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही कुछ और हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।